हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हैशटैग एडिट विद शिवम। सो गाइस, अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप बाकी वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ इस तरह के जो फर्स्ट वाला फोटो है, इस तरह की आप क्लोनिंग इस पिक्सार्ट ऐप में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पिक्सार्ट ऐप और स्नैपसीड एप्लीकेशन। ये दोनों ऐप का प्ले स्टोर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये दोनों ऐप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाले फ़ोटो के लिए आपको दो तरह के फ़ोटो खींचने होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा फ़ोटो खींचा था जो जिसमें मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, और एक दूसरा वाला फ़ोटो खींचा था जो इसमें हम डालेंगे साइड वाला पोज में, जिसमें कि मैं इस मोबाइल में देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इस फ़ोटो का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा दूसरा वाला फ़ोटो है उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो वो कट वहाँ पर नज़र आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाऊँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा दूँगा, और थोड़े शेडोज यहाँ पर कम कर दूंगा, क्योंकि ब्लैक्स वहाँ पर मैच होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्लिक करना पड़ेगा ऐड फोटो पर, और जो साइड वाला पोज वाला हमने फ़ोटो खींचा था उस फोटो को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसकी हम ओपेसिटी कम करेंगे, जिसकी मदद से हम इसे ऐसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारे जो पिछला वाला वॉल पे वॉल स्टिकर लगा हुआ है उसकी मदद से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बराबर एडजस्ट हुआ कि नहीं। इसके बाद में हम जाएंगे क्रॉप में, और इस फोटो को इतना क्रॉप कर लेंगे जिसकी मदद से हम वहाँ पर इस फोटो को वहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉप होने के बाद इसे ओके कर लीजिए, और इस फोटो को यहाँ पर जो राइट साइड में एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर भी हम जो पीछे वॉल स्टिकर है उसकी मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजस्ट हुआ करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर रखी है, और यहाँ पर ये बिल्कुल भी यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद में हमें इस फोटो की ओपेसिटी करनी होगी फुल। तो ओपेसिटी होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस दोनों फ़ोटोज़ में कलर डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, और थोड़ी यहाँ पर लाइटिंग अमाउंट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, बाद में इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, और थोड़े से यहाँ पर हम शेडोज़ को है जो कम कर लेंगे। ये डिपेंड करता है अपने आपके फ़ोटोज़ पर कि किस तरह का आपने फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। तो कुछ इस तरह का हमने इतना तो हमारा हो गया। बाद में आप देखेंगे कि ये बीच में ये लाइन आ गई, आप बोलोगे इसका कैसा करना होगा, तो इसको को भी कट करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टूल्स में जाइए, बाद में जाइए क्लोन्स में, और यहाँ पर हमें क्लोन करने के लिए ये आइकॉन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करना होगा, और बाद में हमें ब्रश की ओपेसिटी कम करनी होगी, साइज़ थोड़ी बढ़ानी होगी, और हार्डनेस कुछ इस तरह से रखनी होगी। बाद में ये वाला सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से अगर हम इसे यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐसे ड्रैग करें, तो यहाँ पर हम इसे क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट वाला एरिया है वो यहाँ पर क्लोन हो रहा है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक है वो बिल्कुल भी यहाँ से चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये वाली लाइन तो हमने बिल्कुल भी यहाँ से मिटा दी है। अब करते हैं ऊपर वाली लाइन का। तो ऊपर वाली लाइन को भी बिल्कुल भी सेम तरीके से आपको कुछ इसी तरह से करना होगा। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दीजिए, जिसकी मदद से ये जो डार्क धब्बे वो विजिबल नहीं होंगे, और कुछ पैचेस भी आते हैं यहाँ पर वॉल पे, तो उसे भी हम स्नैपसीड से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये वाली भी लाइन चली गई। तो यहाँ पर तो अभी तक ये फ़ोटो एकदम बढ़िया लग रही है, बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे जाना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें मोर में जाके स्नैपसीड को ओपन करना होगा, और फिर ये फ़ोटो ओपन हो जाएगी स्नैपसीड पे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट टूल यूज़ करेंगे, और जो वॉल पे जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखते हैं वहाँ पर क्लिक करके हम इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा देंगे। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी हम यहाँ पर जो ब्लैक है यहाँ पर इस जाके इसे ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डार्क धब्बे थे यहाँ से वो पूरे के पूरे निकल गए। बाद में यहाँ पर जो लाइनिंग आ रही है, तो इसके लिए हम इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो ब्राइटनेस है वो यहाँ से हम कम कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारी फ़ोटो क्लोन हो चुकी है, यहाँ से भी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल भी फ़ोटो क्लोन हो चुकी है। तो इसमें थोड़े बहुत और एडजस्टमेंट करते हैं, ट्यून इमेज करते हैं, जिसकी हमने फर्स्ट वाली वीडियो में किया था। तो फर्स्ट वाली वीडियो अभी तक भी आपने देखी नहीं होगी, ये क्या कर रहा हो अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा तो आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्लू टिंट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लू शर्ट है इसलिए अच्छा लग रहा है। बाद में हम जाएंगे विंटेज पे, और यहाँ से कुछ इस तरह का विंटेज इफेक्ट दे देंगे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी फ़ोटो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि हमने फ़ोटो क्लोन की है। तो कुछ इस तरह की फ़ोटो आप क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स को यहाँ पर एकदम शॉकिंग इमेज दिखा सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की अलग अलग फोटोज एडिटेड आपको देखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे मैं दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग एंड दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट।